तो मैं मंदिर दर्शन करने के बाद मैं वापस आ गया बाहर सिटी में और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर से इसी चौराहे पे अब मुझे जाना है वहाँ सामने जहाँ पे लिखा है डायमंड सिटी। सामने जहाँ डायमंड सिटी लिखा था इसी के पीछे एक पार्क है, इसी के अंदर कुछ कुछ सिंबल्स हैं, उसी को देखना चाह रहा था लेकिन ये जो है ये बंद है। तो कोई बात नहीं, ये देखो भाई कितना बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ है यहाँ, और मैं इसको देखना चाह रहा था लेकिन ये जो है पूरा बंद है। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई इस शहर को ना आप देखोगे सजाया गया है पानी के टैंक के ऊपर, आप अगर ऊपर देखते हो तो स्वच्छ पन्ना सुंदर पन्ना लिखा हुआ है। और ये देखो ये यहाँ पे एक छोटी सी दरगाह है, तो जैसा मैंने आपको बताया भाई यहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों बराबर की ही रह रही है, जहाँ तक मैंने देखा है मैं दोनों ही कम्युनिटी देख पा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि पन्ना एक बढ़िया शहर है, शांत है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार की कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई भाई कैसी भी। तो यहाँ आ गई एक काइट शॉप, और ये देख लो भाई कितनी बड़ी बड़ी पतंगे यहाँ पर बिक रही हैं, मैंने लाल किले के आसपास बहुत देखी है। आप बनाते हो अंकल जी पतंग, ये आपकी है, बताओगे मुझे कैसे बनाते हैं? अब क्या है बनाते हैं दिखाओगे, दो चार पतंग दिखाओगे मुझे? ये सब रखा है ना देखो ना। अच्छा सब रखा है बनाया हुआ मेरा। तो भाई यहाँ पे अंकल जी बैठ जाओ ना अंकल जी, आप दिखाई दोगे फिर मुझे लाइट में? लाइट में आ गई नहीं भैया। हाँ क्या नाम है अंकल आपका? नाम मेरा शहीद मोहम्मद। शहीद मोहम्मद जी, तो आप कितना टाइम से बना रहे हो यहाँ पतंग? हम कम से कम 40 साल हो गए। 40 साल। हाँ। अच्छा यहाँ पे पतंगों का अभी सीजन है? सीजन अभी गुड़की भर का बस, मतलब गुड़की में भरी थी सर्दी सर्दी में बस, नहीं गुड़की में। अच्छा गुड़की मतलब ये त्योहार आ रहा ना गुड़की का, हमें पता नहीं गुड़की कौन से त्योहार को कहते हो? अरे नहाने धोने का रहता गुड़की आती है। अच्छा यहाँ 14 तारीख को हर साल आती है संक्रांत। मकर संक्रांति हमारी। अच्छा तो ये मकर संक्रांति के लिए आपने इतनी सारी पतंगे तैयारी कर रखी है? अच्छा तो अंकल जी दिखाना एक दो पतंग का डिजाइन आप अपनी। ये हमारी ये कई तरह की बनाई है हमने। अच्छा। ये बनाई है। और कितने रुपए की बेचते हो आप? ये 80 रुपए की। 80 रुपए की एक। तो भाई ये पन्ना में मुझे अंकल जी मिले हैं मोहम्मद शहीद जी जो प्राणनाथ मंदिर के पास ही है। तो ये यहाँ पे अंकल जी की शॉप है और मैं बहुत इंटरेस्टिंग था अंकल, मैं देख रहा था मैं यहाँ पतंगे इस सीज़न में बिक रही है। हाँ मैं हूँ गुड़गांव से हरियाणा, तो हमारी तरफ क्या होता है 15 अगस्त को दिल्ली साइड में 15 अगस्त की तरफ, और ये धन्यवाद अंकल जी बहुत अच्छा लगा। तो भाई आपको पतंग लेनी हो पन्ना शहर में हो तो यहाँ से आप ले सकते हो पतंग। तो यहाँ पे जो है पतंगे हाथों से बनाई जा रही है, जैसे लाल किले की साइड में आप जाओगे वहाँ पे भी लोग बनाते हैं, लाल कुआ लाल किले के पास पड़ता है तो जो फेमस है पतंग के लिए, तो आप वहाँ जाते हो। तो यहाँ पन्ना में आपको ऐसी ऐसी बहुत सारी शॉप मैंने देखी है कल से, तो आप भी यहाँ से आके ले सकते हो। चलो अब चलते हैं अपने सफ़र पर आगे और क्या देख पाते हैं। उड़ाओ कितने का है? 60 रुपये। क्या नाम है? अनिल। तो भाई अनिल भाई हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं पन्ना में, ले लेना भाई से 60 रुपये में हेलीकॉप्टर बेच रहे हैं यार। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई, बड़े स्टाइल में उड़ाते हुए आ रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई उड़ा के दिखा दो फिर से, उन्होंने मेरे लिए उड़ा के दिखाया। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो प्राणनाथ मंदिर, इससे पहले ये जुगल किशोर मंदिर के लिए चला जाता है,
वापस अपने होटल की तरफ। 2 से 3 घंटे हो गए मुझे घूमते घूमते, अब चलते हैं होटल क्योंकि टाइम अभी हो गया भाई 1 बज गए और मुझे एक और भाई आ गए हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, वाह। तो एक और भाई ने हेलीकॉप्टर मुझे उड़ा के दिखा दिया। आज शाम को 5 बजे की अपनी ट्रेन है तो हम वापस चले जाएंगे दिल्ली। और ये चने का साग बेच रहे हैं भाई, काट के और तोल के। साइड में आप देखोगे गाड़ी होगा काफिला, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, लोग लगे हैं अपने प्रचार करने में और मुझे उनको दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी दिखा दिया आपको कि यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं। हमारी तरफ भी अभी आने वाले हैं और पन्ना में भी अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो लोग निकले पड़े हैं लोगों से झूठे वादे करने के लिए, तो दिखा दिया आपको। यहाँ फिर से एक शॉप आ गई जो बेच रहे हैं। अंकल अंकल जी क्या है ये, क्या है ये? चूना। क्या करते हैं इससे? पुताई के लिए। खाते भी हैं इसको? दोनों काम आएगा। ये यहीं से निकलता है क्या? बाहर से आता। कहाँ से? कटनी। कटनी से? अच्छा, मतलब आता तो MP से ही है। अच्छा, कितने रुपए किलो देते हो आप? 15 रुपए किलो। वही देख लो कितना सारा चूना बेच रहे हैं अंकल जी 15 रुपए किलो से। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम है साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा। अच्छा, ये साईं बाबा बता रहे हैं अंकल जी। और यहाँ अंकल जी की दुकान है और ये है भाई चूना ही चूना है इनके पास। चारों साइड आप देख रहे हो चूने के बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। मैंने आपको दिखाया था पहले भी, फिर से सोचा एक बार दिखा देता हूँ ये चूना यहाँ पे कितना सारा और कितनी क्वांटिटी में बिकता है शहर। तो पन्ना शहर में आपको जगह जगह भाई ये दिखेंगे लंगूर। यहाँ पे भाई मैंने देखो कितने सारे लंगूर देख चुका हूँ ना, कल से बता नहीं सकता आपको। अभी भी नीचे एक कुत्ता खड़ा है और ऊपर देखो लंगूर से छेड़खानी कर रहा है। घूमते घूमते वापस आ गए अपने उसी चौराहे की तरफ, इसका अभी तक मैंने कोई नाम तो देखा नहीं, लेकिन फिर भी वहीं तक पहुंच गया हूं। सामने जो सड़क जा रही है वहीं कॉर्नर पे आपको पुलिस पोस्ट दिख जाएगी जो यहाँ की थाना कोतवाली है। और अब हमें जाना है इस तरफ। तो भाई ये देखो यहाँ जगह जगह आपको बहुत सारे मंदिर छोटी छोटी दरगाह ऐसे मिल जाएंगी। सड़क पे बकरियाँ घूम रही हैं, अपने दो बकरी घूम रही है अपने दो बच्चों के साथ। मैंने आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट किया था, पीछे देख रहे हो बकरी है, ये बस स्टैंड और हॉस्पिटल उस तरफ चला गया। और ये सुन्नी जमा मस्जिद जो मेरे लेफ्ट साइड में है। पन्ना शहर भाई बहुत खूबसूरत शहर है, आप लोगों को आना चाहिए, देखने लायक है। मैं फिर से यहाँ एक ट्रिप प्लान करूँगा और फिर मैं आपको यहाँ की और भी ज़्यादा डेस्टिनेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सामने एक स्कूल। हेलो। तो भाई वहाँ से आ गया था मैं होटल, ये पीछे आप देख रहे हो ये अपना होटल था ताज खजुराहो। और ये इसका गार्डन। और अब हमारी ट्रेन है भाई 5:30 बजे जो कि 1:30 बज चुके हैं। और भाई ये हैं अपना सिद्दीकी सर जिनके पास हम थे, सामने रेड कपड़ों में जिनको आप देख रहे हो कपिल भाई। और ये अपना वाहन। हम लोग थोड़ी
फैमिली के साथ जा रहे हैं, दो लोग आए हैं। अच्छा, और ये है अपने सिद्दीकी सर, सर ने कल डीटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है पन्ना में, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे भाई साहब है, आप लोग सब सब जावेद भाई, वाजिद भाई जो भांजे हैं सर के। जी जी, तो भाई पन्ना शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल सर ने स्थापित कर दिया है पन्ना शहर वालों के लिए, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो आप लोग आए तो यहाँ इलाज ले सकते हैं। भाई स्टेशन पहुंच चुके हैं सतना, जो आपका पन्ना शहर से पड़ता है लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर। तो स्टेशन आ गए हैं, सामान जो है वो पहुंच चुका है अपना प्लेटफॉर्म के पास। भाई कुछ ऐसा है यहाँ का भी, एक बस स्टैंड दिखाता हूँ मैं आपको, बस स्टैंड ऑटो स्टैंड लगभग सभी है सामने जो देख रहे हो, ये सतना का रेलवे स्टेशन का जो बस स्टैंड है वो है। इधर भाई सारा ऑटो स्टैंड, ये पूरा का पूरा ऑटो स्टैंड है यहाँ। तो हमें निकलना है बाहर, कहाँ कहीं भी चला जाता हूँ भाई, मैं भी फंस जाता हूँ यहाँ वहाँ जाके। और ये है भाई एक रेलवे इंजन जो यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, रियल इंजन है। तो ये थी इस साल की अपनी सबसे पहली यात्रा जो मध्य प्रदेश पन्ना के लिए थी। ट्रेन से सफ़र था, ये भी मज़ेदार था बाकी यात्राओं की तरह। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें, और पन्ना की वीडियो जो भी आ रही हैं इनको भी आप देखें, मुझे लगता है आप लोगों को इसमें भी मज़ा आएगा। वीडियो में कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और दोस्तों के साथ करें शेयर। तो ये है भाई पन्ना सतना स्टेशन, जो मेरे सामने आप उधर देख रहे हो ना, सतना स्टेशन है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत है ये भी। और ये है स्टेशन के आसपास की हलचल। ऑटो वाला भाई आ गया मेरे पीछे, और हमें जाना है रेलवे स्टेशन के अंदर की साइड। भाई सतना जो है ये भी बढ़िया शहर है, यहाँ का काफ़ी बड़ा शहर है, बहुत भीड़ भाड़ वाला है जो बाकी शहरों की तरह। छोटा शहर होने के साथ साथ जितना होना चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो पन्ना जो है ये है डायमंड सिटी, और अब हम आगे अपने नए यात्रा यहाँ से शुरू होगी जो कि होगी दिल्ली के लिए। शाम को भाई 6 बजे की अपनी ट्रेन है, यहाँ से 5:30 का टाइम होता था लेकिन वो 6 बजे बता रहे हैं, तो 6 बजे अपनी ट्रेन है, उसके बाद निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। ये है स्टेशन सतना, भाई स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो मिलते हैं फिर किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और वीडियोस का मज़ा लें। धन्यवाद।